सो यहाँ पे जल्दी से मैं अभी गैस स्टार्ट कर लेता। ये मेरे पास एक रेगुलर ग्रीस है जो कि, एंड दूसरी तरफ ये मेरे पास है एक हाई टेम्परेचर वाटर रेजिस्टेंस ग्रीस विच ये मेरे पास एक रेगुलर ग्रीस है जो कि हम में से 90% ऑफ द यूज़र यूजेस। Even the local mechanic uses the same grease when you go them to have your motorcycle service. And दूसरी तरफ ये मेरे पास है एक high temperature water resistance grease which I have recently purchased. So I was very curious to do a heat test with this grease just to understand that whether this grease really works with a high temperature. So that's the reason why I'm making this video कि हम इस वीडियो में जान सके कि यार investing heavily in this grease is worth or not, because इसकी जो कीमत है इस कीमत में almost हमें 4 times we can get a local grease. But this Maxima का grease is not only water resistance, it's a high temperature, low friction and specially formulated grease which you can use it on your motorcycle and various other parts. So आज की इस वीडियो का मकसद यही है कि हम जो है इसके ऊपर एक हीटिंग टेस्ट करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने दोनों ग्रीस के सैंपल यहाँ पे एक चम्मच पे ले लिया हूँ एंड वी आर गोइंग टू डू द हीटिंग टेस्ट राइट। सो यहाँ पे जल्दी से मैं अभी गैस स्टार्ट कर लेता हूँ एंड देन वी कैन सी हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर दीज ग्रीस टू मेल्ट डाउन। और जैसे कि आप देख सकते हो विद इन लाइक नॉट इवन 5 सेकेंड्स and the local grease has started melting down. ये मस्के की जैसा पिघल रहा है, जबकि आप दूसरी तरफ देखोगे Maxima का जो grease मैं use कर रहा हूँ it is easily surviving the heating test. So the operating temperature range of this high temperature grease is between -29 to 293 degrees guys. So आप सोच सकते हो कि ये winters में भी आपको कोई परेशानी नहीं देगा and plus 293 degrees आप इमेजिन कर सकते हो कि पानी जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्रीज़ के ऊपर और ये ग्रीस सर्वाइव करता है 293 डिग्रीज़ तक। सो ईच एंड एवरी पैसा इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग इन दिस ग्रीस।